हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल पम्मी व्लॉग पे आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ये बथुए का पराठा। इसको हमने अच्छी तरह धो के काट लिया है। दो हमने हरी मिर्च डाली हैं। बथुआ गर्म होता है, सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, और सारी हरी सब्जियां सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। हरी सब्जियां बहुत हेल्दी होती है। ये मैंने गेहूं का आटा बनाया है, अब मैं इसका पराठा बनाऊंगी। इसमें ये मैं थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन कूट के डाला है। ये मैं थोड़ा इसमें नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ी मैं लाल मिर्च डालूंगी। लाल मिर्च भी ज़रूर खाने चाहिए, इससे हमारे बॉडी में लाल कण जाते हैं। देखो दोस्तों, अब हम इसमें बथुआ भर रहे हैं, बथुए का पराठा बना रहे हैं। आप भी मेरे तरीके से फोल्ड करें, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और बहुत अच्छा बनता है और सेंटर में से भी पतला रहता है। देखो दोस्तों, हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसको हमारा तवा गर्म हो गया, अब हम इसको तवे पे डालेंगे। देखो दोस्तों, हमारा पराठा बन रहा है। दोनों तरफ इसके ऑयल लगाएं, बहुत अच्छा सिकता है। धीमी आंच पे बनाएं और धीरे धीरे इसको रोस्ट करें। बहुत टेस्टी बनता है, कुरकुरा बनेगा बिल्कुल। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो दोस्तों, हमारा पराठा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल कुरकुरा बना है और जला भी नहीं है। देखो कितना अच्छा बना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। आप इसको दही के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। ये मैंने दही लिया है, ये मैंने चाय ली है, और ये मैं थोड़ा सा इसमें काला नमक डालूंगी। इससे बहुत टेस्टी लगता है काले नमक से। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। और ये पराठा ज़रूर खाएं, एक बार ट्राई ज़रूर करें।